नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा आपके सामने लगी हुई है, तो उसी की तैयारी के लिए एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं संख्या पद्धति का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके, स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ से आप एक नंबर पक्का कर लीजिए। आज जो हम तरीका बताएंगे स्थानीय मान या जातीय मान निकालने का, बहुत ही आसान तरीका होगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, स्थानीय मान एवं जातीय मान हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आपको एक चीज समझा रहे हैं, उसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं या स्थानीय मान या जातीय मान निकालते कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक पत्थर बना दिया, क्या बना दिया, पत्थर बना दिया, समझिए बहुत ही अच्छा मेथड होगा। एक पत्थर बना दिया, पत्थर मान लीजिए ये रोड के किनारे पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं। लेकिन अगर इसी पत्थर को हम यहाँ पे ले जाके मंदिर में रख देते हैं, यानी मंदिर में रख देते हैं इसी पत्थर को, तो लोग इसको क्या मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये रोड के किनारे पड़ा हुआ था तो इसको लोग पत्थर कहते थे, लेकिन जब ये यहाँ पे आ गया मंदिर में तो लोग इसको भगवान मानने लगे। यहाँ पे देखिए स्थान जब इसका परिवर्तन हुआ तो इसका देखिए भाव क्या हो गया, बदल गया। यानी इसका देखिए पूरा इसका पूरी लाइफ क्या हो गई, पत्थर की चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये भगवान हो गया और यहाँ पे जब था ये पत्थर था। यानी कहने का मतलब ये है कि स्थान जब परिवर्तन होगा तो मान बदलेगा। यानी स्थानीय मान में आपका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो उसका जिस स्थान पे मान रहेगा उसमें मान उसका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और आती है कि पत्थर यहाँ पे तो ये भगवान इसको मानने लगे, लेकिन इसकी जाति क्या है, इसकी जाति पहले भी यहाँ पत्थर थी और आज भी क्या है, पत्थर है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ किसमें परिवर्तन हुआ, स्थान यानी इसके भाव में परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि स्थानीय मान में परिवर्तन होता है और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जातीय मान में जो अंक रहता है वही उसका मान होता है और स्थानीय मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी जिस स्थान पर जो अंक रहता है वही उसका मान यानी बदल जाता है। तो ये चीज इतनी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे बनाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम स्थानीय मान निकालेंगे। आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, जो दशमलव पे आधारित होते हैं वो भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करवाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मान निकालेंगे कैसे, हमको यहाँ पे चार अंक मिल रहा है, यहाँ पे छः मिला, तो अगर छः का स्थानीय मान निकालना रहेगा तो इसके आगे देखिए कोई संख्या नहीं हमको दिख रही है, तो छः का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। अगर पाँच का स्थानीय मान निकालना है तो पहले पांच आप लिखिए, लेकिन ये कौन से स्थान पे है, इसके आगे एक संख्या है, तो यहां पे क्या कर दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अगर इस वाले छह का स्थानीय मान निकालना है तो छह लिखिए, इसके बाद दो संख्या है तो दो जीरो। यानी संख्या लिखने के बाद उसके बाद जितनी संख्या रहेगी उतना हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, तो आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर तीन का स्थानीय मान पूछेगा तो तीन लिखिए, इसके आगे कितनी संख्या, एक दो तीन, तो तीन जीरो हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हमने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए अभी आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। कह रहा 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल होगा, यानी ये संख्या आपको दे दी गई है, इसके स्थानीय मानों का योगफल कह रहा है, तो 6 के स्थानीय मान का योगफल कह रहा है, तो हमको यहाँ पे जो संख्या मिल रही है इसमें देखिए 6 कई बार हमको दिखाई दे रहा है, यानी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो यानी तीन जगह 6 है, तो इसका स्थान तीन जगह है, तो इसकी जगह इसका मान तीन
तीन जगह आपको होगा। देखिए स्थान जहां पे हमने आपको बताया कि स्थान परिवर्तन हुआ तो उसका मान तुरंत बदल जाएगा, तो इस वाले छह का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? छह। लेकिन इस वाले छह का स्थानीय मान क्या होगा? छह के बाद देखिए दो संख्या तो दो जीरो लिख देते हैं, और इस वाले छह का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इतनी संख्या दो दो चार, यानी चार संख्या। अब देखिए छह, इस छह का मान 600 आ गया, इस वाले छह का 600 आ गया, इस वाले छह का मान 6 आया, इस वाले छह का मान 600 आया, और इस वाले छह का मान 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस यानी 60,000 आया। अब देखिए कह रहा कि स्थानीय मानों का योगफल, यानी इसका योगफल पूछ रहा है, तो आप क्या करिए सभी को जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखिए, यानी 6000 को यहाँ, 60,000 को यहाँ पे लिखिए, उसके बाद उससे छोटी कौन सी संख्या है? 600 है, तो 600 को यहाँ लिखिए, इसके बाद कौन सी संख्या है? 6 है, तो 6 को यहाँ लिखिए, इसी को जोड़ दीजिए 0606, यानी आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप जिसका संख्या, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उसी संख्या के आगे देखिए कितनी संख्या है तो उतना आप जीरो लगा दीजिए, उसके बाद योगफल पूछेगा या फिर अंतर पूछेगा तो आप उसको हल कर दीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखिए 86527 में 6 तथा 5 के स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है, यानी दो संख्या की बात कर रहा है। पहली संख्या क्या बात किया? 6, और दूसरी की बात किया 5। तो यहाँ पे देखिए 6 किस स्थान पे यहाँ है और 5 यहाँ है, तो पहले 5 का निकाल देते हैं, स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 के आगे दो संख्या तो 0, यानी 5 का स्थानीय मान क्या आ गया? 500 आ गया। लेकिन 6 का भी क्या होगा? 6 के आगे कितनी संख्या? 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 संख्या हम देते हैं, कितना आ गया? 6000। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है तो दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 6000 में 500 जब ऐड करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 6500। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। योगफल की बात करेगा तो योग कर दीजिए। अगर यहीं पे क्वेश्चन में क्या बात कर देता कि अंतर की बात कर देता, यानी योगफल के स्थान पे अंतर कह देता, तो यहाँ पे हमको क्या करना होता? 6000 में से 500 घटा देते तो आपका आंसर क्या आ जाता? 5500। ये आपका क्या आ जाता? अंतर आ जाता। अगर गुणनफल की बात करता, देखिए क्वेश्चन तीन चार तरीके से ये बना सकता है, योगफल की बात कर सकता है, या फिर अंतर की बात कर सकता है, या फिर गुणनफल की बात कर सकता है। कुछ भी कहेगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो कहेगा लास्ट में उसी का कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन की। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा क्या है? लिखा हुआ है क्या, इतनी आपके पास संख्या दी हुई है और मैं कह रहा 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा, यानी 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो संख्या मिल रही है, इसमें 5 किस स्थान पे हमको मिल रहा है, यानी जिस स्थान पे मिलेगा उसी स्थान से हम स्थानीय मान निकाल देंगे, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5000 हो गया। और 5 का जातीय मान, देखिए हम यहाँ पर आपको पहले ही बताया है कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अंक रहेगा वही उसका जातीय मान होगा। तो यहाँ पे स्थानीय मान कितना आ गया? 5000, यानी स्थानीय मान कितना आ गया आपका? 5000, और जातीय मान 5 का कितना हो जाएगा? 5 ही होगा, यानी जातीय मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या कर रहा? अंतर की बात कर रहा है, तो 5000 में से 5 को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 4995, यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, देखिए हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा आपके लिए स्पेशल यूपी टेट का नोट्स दिया जाएगा, यानी आपको अगर नोट्स ज्वाइन करनी है, देखिए ये पीडीएफ नोट्स भी होंगे और हार्ड कॉपी नोट्स भी होंगे,
तो आपको अगर नोट्स ज्वाइन करना है या फिर नोट्स लेना है तो नीचे दिए गए नंबर जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, सीधा वहां से आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी कैसे आप नोट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेस्टिक्स सेट भी यहां पे उपलब्ध है, आप अगर प्रेस्टिक्स सेट को भी ज्वाइन करना है तो वो भी आपको नंबर पर कॉल करिए तो वहाँ से ये भी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी कि कैसे आप प्रेस्टिक्स सेट को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल आपको दिए जाएंगे, अब की बार यूपी टेट पार हो जाएगा, यानी यहां पे इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि यूपी टेट में अब की बार दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी वह भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, यानी आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस समय देखिए आपके टेट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, एक बार समझिए, बहुत ही अच्छा देखिए तरीका हम आपको बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि 0.0159 में एक का स्थानीय मान होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको संख्या मिल रही है लेकिन यहाँ पे आपके पास दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी घबराहट हो रही होगी लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए एक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो सबसे पहले एक यहाँ पे है, अब की बार देखिए हमको ऐसे नहीं सीधे जाना है, अब की बार हमको वापिस आना है, यानी जब दशमलव लगा रहेगा तो आप वापिस आइए, यानी कहाँ आइए वापिस आइए, तो दशमलव तक देखिए हमको वापस आना है, तो यहाँ पे दशमलव तक जब वापस आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। अब एक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, अगर दशमलव को हटाएंगे तो बटे में क्या लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन में अगर ये मिलेगा तो ये आपका सही हो जाएगा लेकिन आपके ऑप्शन में ये देखिए नहीं मिल रहा है, ऑप्शन किस में मिल रहा है, बटे में मिल रहा है, तो देखिए यहां पे भी आप गलती, बहुत लोग गलती यहां पे ये करते हैं कि दशमलव की जगह पे जब हटाते हैं तो 0.1 या 0.2 बढ़ती या कम लगा देते हैं, तो वहां से देखिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां दशमलव एक लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाता है, यानी 1/10 लिख सकते हैं, यानी जब यहां दशमलव 0.1 लिखा है यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 2 0, अगर दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3 0, यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका गलत नहीं होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1/10 के बाद 2 अंक है तो 1/ क्या हो जाएगा, 100, और सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, अभी देखिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया 3.6857 में 8 का स्थानीय मान होगा, तो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो आप पहले ये चीज देखिए कि दशमलव के इधर 8 दिया है कि दशमलव के इधर दिया है, तो हमको ये दिखाई दिया कि दशमलव के इधर 8 है, तो जब दशमलव के इधर रहेगा तो आपको वापिस आना रहेगा, यानी कहाँ आना रहेगा, इस तरफ आना रहेगा, तो 3.6857, तो यहां पे दशमलव 8 यहां है तो आप पहले 8 को लिख दीजिए, इसके आगे एक संख्या है तो एक इसको 0 समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे इधर हम जाते तो भी 0 करते थे और इधर आएंगे तो भी 0 करेंगे, अब क्या लगा दीजिए, दशमलव, यानी 8 का स्थानीय मान आ गया 0.08, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8/10 के बाद 2 अंक है तो 2 0, यानी 8/100 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ और लिखा हुआ है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान होगा, तो सबसे पहले ये कंडीशन देखिए, 8 आपको इसमें कहाँ दिया है, 8 हमको कहाँ मिल रहा है, दशमलव के इधर मिल रहा है, यानी दशमलव के इस तरफ नहीं मिल रहा है, दशमलव के आगे ही मिल रहा है, तो हमको तो दशमलव तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दशमलव है ये आपका ब्रेकर का काम करेगा, यानी किसका काम करेगा, ब्रेकर का, ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि रुकना होता है, तो यहीं पर आप क्या करिए, रुक जाइए, तो 8 का स्थानीय मान तो इस तरफ अब जाना है तो 8 के बाद ये 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या कर दीजिए, 0, यानी यहाँ पे 0 आपको करना रहेगा, आप इधर
जाइए चाहे इधर आइए, तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो 5 का, देखिए 5 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो 5 का हम क्या लिख सकते थे, 0.5, यानी 5 लिखते इधर आते, उसके बाद दशमलव मिल जाता, 0.5 हो जाता, या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, 5/10 ये लिख सकते थे, या फिर इसको काटने के बाद इसका एक आंसर और बना सकता था, 5 × 5 = 10, या फिर 1/2, यानी ऑप्शन में जिस तरीके से आपको मिलेगा उसी तरीके से इसका आंसर लगा दीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, अभी देखिए सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई भी डाउट अभी होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए दशमलव के बाद 0, 8, 6, 3, 5 में 6 का स्थानीय मान होगा, यानी दशमलव के इधर आपको 6 मिल रहा है, 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप 6 लिखिए, इसके आगे कितनी संख्या आपको मिल रही है, 1, 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए, इसके आगे दशमलव है तो आप क्या लगा दीजिए, दशमलव, यानी इसका स्थानीय मान क्या जाएगा, 0.006, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/। अब देखिए यहाँ पे गलत ना करिएगा भैया, क्योंकि इतना आप मेहनत करके इसको ला दिए, अब लास्ट में आके गलत ना करिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3, 0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ये मिलेगा ये भी सही हो जाएगा, ये मिलेगा ये भी सही हो जाएगा, तो जिस तरीके से आपका ऑप्शन बनाएगा उसी तरीके से आप लगा के चले आइएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत नहीं हो रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि हमारे देखिए इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा आपको यूपी टेट की स्पेशल नोट्स दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी और हार्ड कॉपी नोट्स भी, आपको जो भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ लीजिए, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी लीजिए, नीचे जो स्क्रॉलिंग नंबर चल रहे हैं उस पे आप कॉल करिए, आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हार्ड कॉपी आप तक घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, जो आपके पिछले ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जिन क्वेश्चन के आने की संभावना है वो भी क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए और वीडियो को देख लीजिए, तो अब की बार यूपी टेट क्या हो जाएगा, आपका पार हो जाएगा, यानी 120 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी के तरीके से मेहनत करते रहिए, आपका जरूर 120 पार होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।